गाइस, दिस इज अल्टीमेट टेक। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वेबसाइट जिसमें आपको नागपुर के बहुत अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, जहाँ पे हमेशा वैकेंसीज रहती है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए। एक ऐसी वेबसाइट जिसने बहुत ही बढ़िया कंपनी के साथ टाइप्स भी है जिनके, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये कौन सी वेबसाइट है और उनके अकाउंट्स भी सोशल इंस्टाग्राम्स वगैरह में, बाकी सब वेबसाइट्स में भी अवेलेबल है उसके। तो मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। उसका नाम है employmentnagpurblogspot.com। आपको कुछ नहीं करना है, अपने गूगल पैड में जाके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट employmentnagpur.blogspot.com इस पर सर्च कर देना है, तो ये साइट ओपन हो जाएगी। ये साइट बहुत ही अच्छी है एम्प्लॉयमेंट नागपुर, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जॉब्स हमेशा अवेलेबल रहती है। ये एकदम न्यू साइट है और अच्छी साइट है, एकदम ट्रस्टेड साइट, मैंने खुद इसको यूज़ भी किया हूँ। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमेशा जॉब्स अवेलेबल रहते हैं, डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज रहती है। जैसे अभी इसमें नागपुर जॉब्स भी अवेलेबल है और गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल है SBI के लिए, और नागपुर जॉब्स अवेलेबल है ऑनलाइन टीचर्स फीमेल्स के लिए, या फिर उनके लिए वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है इसके लिए ऑनलाइन टीचर्स के लिए, और SBI का गवर्नमेंट जॉब्स। उधर आपको इसके नीचे ये वेबसाइट में सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे होम पेज में जैसे हम लोग देख लेते हैं वेबसाइट का होम पेज ओपन करके, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे में रिसेंट पोस्ट, मतलब ये वेबसाइट में जो जो नए नए पोस्ट आते रहते हैं नागपुर जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या फिर प्राइवेट जॉब्स, जो भी जॉब्स है, तो इसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स का दिखा रहा है ये नीचे में। SBI अप्रेंटिस 2024 फ्रेशर और ग्रेजुएट, मतलब आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ऑनलाइन टीचर्स के लिए भी अवेलेबल है, और ये काफ़ी नए नए पोस्ट करते रहते हैं। अगर आप ये वेबसाइट पे हमेशा कनेक्ट रहोगे तो फिर आपको भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट इसके न्यू पोस्ट पता चलते रहेंगे, और न्यू वैकेंसीज के बारे में पता चलता रहेगा कि कौन कौन से नए नए जॉब्स अवेलेबल है इस वेबसाइट पे। ये वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी है, नीचे में देख सकते हैं आप, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंसीज के हिसाब से पोस्ट अवेलेबल है। अभी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स का SBI अप्रेंटिस 2024 फ्रेशर ग्रेजुएट, इस पर आपको क्लिक करना है, तो इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में यहाँ पे दिखा रहा है SBI अप्रेंटिस डेट, मतलब इसमें आपको पहले साल मतलब वहाँ पे जॉब करने मिलेगा ऑफलाइन SBI में नागपुर में, जो उनका मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे। फर्स्ट ईयर आपकी 15,000 मंथ पर मंथ सैलरी रहेगी, उसके बाद सेकंड मंथ में और धीरे धीरे बढ़ेगी, और थर्ड अगर आपका परफॉर्मेंस उसके बाद और अच्छा रहा तो आपकी वहाँ पे जॉब भी परमानेंट हो सकती है। तो इसके हिसाब से आप उसकी एग्ज़ाम देकर आप उस जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले SBI अप्रेंटिस का, ये है मेन पेज, यहाँ पे इसकी स्टार्ट डेट भी दी है अप्लाई करने के लिए, 20 नवंबर है स्टार्ट डेट अभी, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और लास्ट डेट भी दी है 10 दिसंबर, अगर आप जल्दी से अप्लाई कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और इसकी एग्ज़ाम डेट भी दी है, टेंटेटिव तो दी है वैसे जनवरी में, जहाँ तक इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी, लेकिन SBI की वैकेंसीज भी दी है इसके लिए SC ST OBC, मतलब आप जो भी कास्ट हो SC ST OBC या फिर जो भी NT वगैरह तो आप दे सकते हो ये पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया है आपका ग्रेजुएशन, मतलब कोई भी स्ट्रीम में हुआ होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी से, बस मेन ग्रेजुएशन चाहिए और लिमिट। ये लैंडस्केप मोड में अवेलेबल हो जाएंगे आपको, मतलब दिखा देता हूँ मैं लैंडस्केप मोड करके आपको। जब आप अप्लाई करने जाओगे इसके लिए, ये एंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिस अंडर द, मतलब ये इसके दिए रजिस्ट्रेशन की डेट दी है, रजिस्ट्रेशन लास्ट एंडिंग डेट भी दी है, फी पेमेंट का भी दी है, 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक आप पेमेंट भी कर सकते हो इसमें। और अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हो कैंडिडेट तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के और कोड डाल के आप डायरेक्ट इसमें सबमिट भी कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो पहले से, या फिर अगर आपका
नीचे में ये आपके रेफरेंस भी दिए, अगर आपको कैसे अप्लाई करना है नहीं पता तो आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो कि कैसे अप्लाई करना है। गाइडलाइंस तो दी हुई है इसकी, फोटोग्राफ और सिग्नेचर जब आप अपलोड करोगे उसके हिसाब से, इसमें रेफरेंस के लिए आपको दिया ही हुआ है पहले से। और यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको पहले आपकी बेसिक इन्फो वो सब डालनी पड़ेगी। बाकी ये कुछ स्टेप्स दिए, इसके हिसाब से आपको ये फॉर्म भरना है। फोटो सिग्नेचर, बाकी जो भी इसकी इन्फो रहेगी, डिटेल्स वगैरह की भी, और लास्ट में पेमेंट करके आप इसको ये पोस्ट के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो एग्ज़ाम देने के बाद, फिर आपका डायरेक्ट वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बता दिया, वेबसाइट में अवेलेबल है बाकी सब कुछ, पोस्ट अवेलेबल है इसमें। और अभी मैं आपको फीमेल का भी दिखा देता हूँ, अगर कोई ऑनलाइन टीचर से, ये रिसेंट पोस्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो गवर्नमेंट जॉब्स का हो गया। नागपुर जॉब्स के लिए भी दिया है रिंग फॉर ऑनलाइन टीचर्स फीमेल्स के लिए। वाइट हैट जूनियर, ये भी बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, जैसे SBI थी इसके पहले वैसी कंपनी है ये ऑनलाइन कोडिंग किट्स के लिए। तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेसमेंट के आपको डायरेक्ट ऑफर मिल जाएंगे। रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छा है ऑल ओवर नागपुर में, टॉप कंपनीज़ के साथ इनका टाई अप भी है, एम्प्लॉयमेंट नागपुर, और अच्छी वेबसाइट है। जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप देख सकते हो, अगर कोई फीमेल को अप्लाई करना होगा तो इस पोस्ट के लिए तो वो भी अप्लाई कर सकता है। जॉब्स एंड सर्विसेज के लिए मैं तो बोलूँगा सबसे बेस्ट साइट है ऑल ओवर नागपुर में, अगर आप नागपुर में देखा जाए तो सबसे अच्छी साइट है। और इन लोग अभी और एक्सप्लोर करेंगे वेबसाइट को ऑल ओवर महाराष्ट्र में भी, ताकि बाकी लोगों को भी जॉब्स अवेलेबल हो सके नागपुर के अलावा भी। इसमें सब कुछ दिया है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, वर्क फ्रॉम, ये वर्क फ्रॉम मेन बात ये है कि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ऑनलाइन जॉब टीचर्स के लिए ये वाला, कोडिंग वगैरह जो सिखा सकते हैं चिल्ड्रंस को उसकी भी यहाँ पे प्रोसीजर दिए, सैलरी वगैरह, बाकी जो भी आपको कोर्स स्पेशलाइजेशन, इंटरव्यू प्रोसेस भी दिए, टेलीफोनिक राउंड होगा उसके बाद, फिर आपका टेक्निकल सेटअप, बाकी डेमोज वगैरह, यहाँ पे जाके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं ये पोस्ट के लिए भी। तो एम्प्लॉयमेंट नागपुर काफ़ी बहुत अच्छी वेबसाइट है, और आप बाकी जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर लेना अगर आप, इसलिए ये वेबसाइट से हमेशा कनेक्टेड रहना। नीचे में इसके कमेंट भी कर सकते हो, अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह रही तो ये ज़रूर आपको रिप्लाई भी करेंगे। बाकी इसके लिंक्डइन भी दिए आपको, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर बाकी अगर आपको इसके फॉलो करना है पेज तो आप इस पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं इनके पेज, एम्प्लॉयमेंट नागपुर के, जैसे मैं लिंक्डइन पे अभी जाके दिखा देता हूँ आपको। ये लिंक्डइन की साइट है एम्प्लॉयमेंट नागपुर की, अगर आप कंपनी के बारे में देखना चाहते हो एम्प्लॉयमेंट नागपुर के तो देख सकते हो यहाँ पे जाके। ऑलरेडी इनके 45 फॉलोअर्स भी है, और यहाँ पे आपको नए नए जॉब्स के पोस्ट अवेलेबल होते जाएंगे फ्यूचर में अपडेट होते जाएंगे अवेलेबल। SBI का, जैसे अभी SBI और वाइट हैट जूनियर का था, इसके बाद और नए नए जॉब्स आएंगे, यहाँ से आप जॉब्स देख सकते हो। अभी सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए न्यू वाला जॉब है, तो आप इसमें भी जाके लिंक्डइन में भी जाके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टा पे भी फॉलो करना है तो आप फेसबुक पे भी है इनका, फेसबुक पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हो ऑनलाइन जॉब्स या सर्विसेज के लिए, उसके लिए भी अवेलेबल है वाइट हैट जूनियर और बाकी कंपनीज के जॉब, नए नए अभी जॉब्स और अपडेट होते जाएंगे यहाँ पे, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उनका डायरेक्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज भी दिया है, डायरेक्ट आप उनके अकाउंट में पहुंच जाओगे ऑफिशियल वाले। ये इनका इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये एम्प्लॉयमेंट नागपुर नाम से। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको जॉब्स मिल अवेलेबल होते रहेंगे, हमेशा अपडेट होते रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट नागपुर पे आप देख सकते हैं नीचे में HR, एग्जीक्यूटिव, ऑटोमोबाइल, सब टाइप्स के जॉब्स अवेलेबल है एम्प्लॉयमेंट नागपुर में। सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऑटोमोबाइल शोरूम, जैसे कि मैंने आपको
ओपनिंग पेज में भी दिखाया था इसके कि इसमें सब टाइप्स के जॉब्स अवेलेबल है, एजुकेशन सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, बाकी दूसरे सेक्टर्स के लिए भी, फीमेल एग्जीक्यूटिव के लिए भी बहुत यूजफुल वेबसाइट है ये, डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, टेली सेल्स एजेंट, HR interns, operations या फिर marketing वगैरह, accountant main बात financial वालों के लिए भी बहुत useful website है, मतलब उस types के लिए भी jobs available रहेंगे हमेशा banks वगैरह में, marketing या sales वगैरह में, या different different type के यहाँ पे post देख सकते हो इसके, data entry operator, tele MS office, उसके requirement के हिसाब से salary हमेशा update होती रहेगी। और ये ब्लेस भी हो चुके हैं यहाँ पे, बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है ये, ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं यहाँ पे एज अ टेली कॉलर अश्विनी मुंडेकर मैम, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। We'll be right back.